Hey Marshmallows, आज जिस मूवी को मैं समझाने वाली हूँ उसका नाम है स्लो वीडियो, जो कि साउथ कोरिया की एक रोमांटिक प्लस कॉमेडी मूवी है। मगर आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने भी मेरी तरह कभी ये सोचा है कि कैसा होगा अगर सब कुछ स्लो मोशन में होने लगे? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अब हम बढ़ते हैं इस मूवी के फर्स्ट सीन की तरफ। जिसमें हमें एक बड़ी सी सीसीटीवी मॉनिटर स्क्रीन दिखती है, जिसके सामने बैठे कुछ एम्प्लॉइज अपना काम कर रहे होते हैं। इनमें से दो औरतें सिंगल है और दोनों एक दूसरे से चिप्स खाते खाते गपशप कर रही होती है, और वो न्यूली ज्वाइन एम्प्लॉई यूजिंग भू के बारे में बात करती है, जो कि यहाँ हाल ही में ज्वाइन हुआ होता है। वो उसे बहुत अजीब समझती है क्योंकि जेंगबू ऑफिस बिल्डिंग के अंदर भी ब्लैक कलर के सनग्लासेस लगाकर बैठा होता है। इसी बीच इन्हें मॉनिटर स्क्रीन पे चोरी होती नजर आती है और बिना टाइम गवाए पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। वहाँ मौजूद सभी एम्प्लॉइज एक्टिव हो जाते हैं और उन्हें ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, मगर अचानक वो चोर किसी भी कैमरे में नजर नहीं आते हैं। लेकिन तभी काले चश्मे पहना न्यू एम्प्लॉई यानी जेंगबू उन चोरों को ढूंढ लेता है और उनकी फुटेज अपने बॉस को दिखाता है, जिससे पता चलता है कि वो चोर एक गली में जाकर छुप गए थे। खबर मिलते ही पुलिस चोरों को अरेस्ट कर लेती है और ऑफिस में सब जेंगबू की तारीफ करते हैं, मगर उसके फेस पे कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। दरअसल जेंगबू को बचपन से ही आंखों से जुड़ी एक रेयर बीमारी होती है, जिसकी वजह से वो जिस भी चीज पे फोकस करता है वो उसे स्लो मोशन में चलती हुई नजर आती है, मगर उसकी आंखें ज्यादा ही सेंसिटिव होती है। अब जेंगबू के फेस पे फोकस किया जाता है और इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हमें एक लड़का रेस भागता हुआ नजर आता है। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि जेंगबू ही है, जो कि उस वक्त 5th क्लास में था। वो एक रिले रेस में दौड़ रहा था। वहीं जब उसकी नजर उसकी बचपन की क्रश पोंगसुमी पे पड़ती है, तभी अचानक उसे उसके आसपास सभी लोग स्लो मोशन में हिलते नजर आते हैं। जैसे ही वो तेज भागने की कोशिश करता है, वो बैलेंस खोकर गिर पड़ता है। यही वो समय था जब उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था। जेंगबू के पेरेंट्स उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे डॉक्टर चोक के पास लेकर जाते हैं, जो उसका आई चेकअप करके ये बताते हैं कि उसे आंखों से जुड़ी एक डायनेमिक विजुअल एक्यूटी नाम की एक रेयर बीमारी हुई है, जिसमें सभी मूविंग ऑब्जेक्ट्स काफी धीरे चलते नजर आते हैं। और अपनी इस बात को प्रूफ करने के लिए डॉक्टर शिव बिना बताए उसकी तरफ एक बेसबॉल फेंकते हैं, जिसे जेंगबू आसानी से रोक लेता है। मगर उसे ये भी पता चलता है कि इस बीमारी की वजह से वो ठीक से भाग नहीं सकता। अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका डॉक्टर उसे दूर की नजर का चश्मा पहनने की सलाह देता है। जेंगबू के पेरेंट्स के पास उसकी आंखों का ऑपरेशन कराने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसके डैड विदेश जाकर काम करते हैं ताकि उसके ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा पैसे जोड़ सके। तभी से जेंगबू घर पे अपनी छोटी बहन और मोम के साथ रहता था। उसे ये चश्मा पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर कभी कभी वो उड़ते हुए एयरप्लेन्स को देखकर तो कभी अपनी इस कंडीशन का फायदा उठाकर लड़कियों की उड़ती हुई स्कर्ट देखकर खुश होता था, और उसने घर पे उस नजारे को ड्रॉ भी किया था। जेंगबू के क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम पोंगसुमी था, और जेंगबू को सुमी बहुत अच्छी लगती थी, और उसने सुमी की बहुत सारी ड्रॉइंग्स भी बनाई हुई थी जिन्हें वो उसे इम्प्रेस करने के लिए दिखाता था। वो दोनों एक साथ खेलते भी थे, मगर जेंगबू के इस चश्मे की वजह से स्कूल के कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाकर तो कभी उसका चश्मा तोड़कर उसे बुली करते थे। पूरे स्कूल में सिर्फ सुमी ही उसके साथ रहा करती थी, जिसकी वजह से वो लड़के उसे भी बुली करने लगते थे, और इस चीज से तंग आकर सुमी को भी उससे फ्रेंडशिप खत्म करके उसका साथ छोड़ना पड़ता है। सुमी के दूर जाने के बाद जेंगबू बहुत अकेला महसूस करता है, और उसे पता था कि उसकी आंखों की वजह से ही सब उससे दूर हो गए थे। इसलिए एक दिन वो अपनी आंख खराब करने के लिए अपनी मोम के कमरे में लगा टीवी वहाँ से उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और उसे पास से देखने लगता है। वो बिना रुके कई सारे कोरियन सोप ओपेरास और के ड्रामा देखने लगता है, जिससे उसकी आंखें तो खराब नहीं होती मगर अब उसे के ड्रामा और सुपर हीरो वाली मूवीज देखने की आदत लग जाती है। वो कई सारे डायलॉग्स भी याद कर लेता है, लेकिन उसके साथ इन्हें प्रैक्टिस करने वाला कोई नहीं था।
वो कितरत्सु की तरह खुद को अपने कमरे में ही बंद रखता था। उसके डैड पैसे बचाने के चक्कर में छुट्टियों के समय भी अपने घर वापस नहीं आते थे। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन उनके घर एक बहुत बुरी खबर आई। दरअसल एक एक्सीडेंट के चलते उसके डैड की डेथ हो गई थी और अब उसकी आंखों के ठीक होने की उम्मीदों पे भी पानी फिर गया था। अब वो बड़ा हो चुका था। उसे एक दिन अपने डॉक्टर याद आते हैं, जिसके बाद वो उनसे मिलने जाता है। जेंगबू का डॉक्टर भी अब पहले से अलग दिख रहा था। वो उसे जिम्मेदारी संभालने और कहीं जॉब करने की बात कहता है। इसलिए जेंगबू ने अपनी स्लो मोशन की कंडीशन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सीसीटीवी सर्विलेंस में काम करना शुरू किया है। और अब जेंगबू फ्लैशबैक से वापस आ जाता है। अब हमें पता चलता है कि क्योंकि जेंगबू को बचपन से ही के ड्रामा और लोगों को ऑब्जर्व करना पसंद है, इसलिए उसके लिए खुद को इस काम में ढालना थोड़ा आसान था। फर्क सिर्फ इतना ही था कि इस काम में दिखने वाले सभी कैरेक्टर्स अपने आप में ही हीरो थे और बिना किसी स्क्रिप्ट के काम करते थे। जेंगबू बचपन से अकेला होने की वजह से एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाला लड़का था, मगर उसके साइड वाली चेयर पे बैठा कोवर्कर बियोंगसु बहुत नेक दिल इंसान है। वो अपने बॉस से उसके बारे में बातचीत करता है कि क्या वो जेंगबू के बारे में कुछ जानता है। वो जेंग के बारे में जानने के लिए उससे बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछता है और बात करने की कोशिश करता है, मगर जेंगबू उसके क्वेश्चन का आंसर केवल अपना सिर हिला कर देता है। जेंगबू बिना सवाल करे बस अपनी स्क्रीन पे देखता रहता है। वो वहाँ से जा रहे लोगों को, वहाँ की दुकानों को और तो और लोगों की फुटस्टेप्स को भी काउंट करके लिखता रहता है। कुछ लोग उसकी इन हरकतों को देखकर उसे पागल समझते हैं। बियोंगसु उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जेंगबू इसका कोई जवाब तो नहीं देता, मगर उसे अपने बचपन का प्यार याद आ जाता है। अगली सुबह जेंगबू सीधा सुमी को देखने के लिए अपनी साइकिल से उसके घर जाता है और अब सुमी को दिखाया जाता है। दोस्तों, अब बियोंगसुमी बचपन से भी ज्यादा सुंदर दिखती है और उसे एक्टिंग और सिंगिंग का बहुत शौक है, पर उसके पास पैसों की कमी थी। इस सीन में हमें दिखता है कि सुमी का मकान मालिक उससे बहस कर रहा होता है। वो सुमी से कहता है कि उसे अपना रेंट चुकाना ही होगा, वरना वो उसे अपने घर से निकाल देगा। जेंग ये सब दूर से देखता तो है, मगर वो उसकी मदद न कर पाने की वजह से उसे बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। तभी से जेंग सीसीटीवी स्क्रीन पे हर रोज उसे देखता है और उसका डेली रूटीन भी नोट करता है। सुमी को हर शाम कॉफी पीते देखकर जेंग भी कॉफी पीने की आदत को बनाने लगता है। जब सुमी अपने काम पे जाते टाइम एक सोफे को देखती है, तो जेंग उस सोफे को उसी कॉफी शॉप के सामने रख देता है जहाँ सुमी रोज कॉफी पीने जाती है। रात में जब सुमी उस रास्ते से जा रही होती है, तो वह उस सोफे को देखकर उस पे बैठ जाती है। अगले दिन जैसे ही सुमी ऑफिस से घर जाने के लिए निकल रही होती है, तभी अचानक बारिश होने लगती है। जेंगबू सीसीटीवी पे उसे मुश्किल में देखकर अपने साथी बियोंगसु के साथ बिल्कुल के ड्रामा के रोमांटिक सीन की तरह अपनी हीरोइन को छाता देने जाता है, मगर सु बहुत समय से उससे नहीं मिली थी, इसलिए वो जेंगबू को नहीं पहचानती थी। जिसका नतीजा ये होता है कि जब जेंग छाता सुमी के सर के ऊपर करता है, तो वो उसे डांटकर बिना छाता लिए ही वहाँ से भाग जाती है। जेंगबू और बियोंगसु डॉक्टर शिव के पास जाते हैं और जेंग उनसे सुमी को इम्प्रेस करने के लिए आइडियाज मांगता है। डॉक्टर शिव उसे सुमी को फ्लावर्स गिफ्ट करने को कहता है। दूसरी तरफ सुमी को एक म्यूजिकल ड्रामा के लिए ऑडिशन देने का मौका मिला था, मगर हम देखते हैं कि सुमी सुबह अपने ऑडिशन के लिए लेट हो चुकी थी। जब वो रास्ते में मैनेजर को कॉल करती है, तो वो उसे कॉल पे ही गाना गाने को बोलता है। उसके बाद सुमी ऑडिशन के लिए रोड पे ही गाने लगती है, जिसे वहाँ से गुजर रहे लोग देखने लगते हैं। यही नहीं, जेंगबू भी अपने बालों को बिल्कुल सेट करके इस उम्मीद में वहाँ आता है कि आज तो वो मुझ पे फिदा हो ही जाएगी। वो सुमी के लिए फूलों का गुलदस्ता भी लेता है, लेकिन सुमी एक बार फिर बेचारे जेंग की उम्मीदों से हटकर इस बात पे खुश होने के बजाय उस पे गुस्सा करके कहती है कि इन फूलों से बेहतर मैं जहर खाना पसंद करूंगी। इतना कहकर वहाँ से आने लगती है, मगर जेंगबू उसे उसके बचपन के नाम से पुकारता है और उसे बचपन की तरह खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मगर वो कहती है कि उसका नाम बियोंगसुमी नहीं है बल्कि ओसुमी है। रात को घर आकर जब जेंगबू बियोंगसुमी के बचपन की ड्राइंग्स और उसकी फोटोज देखता है, तो वो सोचता है कि बचपन की सुमी इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती होगी, क्योंकि मैंने उसकी ड्राइंग्स बनाते टाइम भी
बहुत मेहनत करके उसके शक्ल को अपने हिसाब से सुंदर बनाने की कोशिश की थी, जबकि वो इस ड्राइंग जितनी सुंदर तो नहीं दिखती थी। अगले दिन जिंगबू अपने काम पे जाने के बजाय फुटस्टेप्स की मदद से सुमी के घर जाने लगता है। रास्ते में उसे देखकर सुमी उससे कुछ सामान उठाने की मदद लेती है और उससे पूछती है कि आखिर वो पोंग सुमी को क्यों ढूंढ रहा है। जिंगबू जवाब में उसे कहता है कि वो बचपन से उसे बहुत पसंद करता है। जब वो काम पे जाता है तो सीसीटीवी में दिख रही ओ सुमी फोन पे बात करती ही खुशी से झूमती हुई दिखती है और वो उसे ड्रॉ करने लगता है। दरअसल सुमी को उसी म्यूजिकल ऑडिशन में सिलेक्ट होने की खुशी हो रही थी। शाम को जिंगबू उसे फूलों की जगह कुछ और गिफ्ट देता है। फाइनली इस बार ओ सुमी उससे थोड़ी बात करती है। वो दोनों एक दूसरे को अपना टैलेंट दिखाते हैं और सुमी उसे अपनी लाइन पढ़कर सुनाती है और फिर जिंगबू और ओ सुमी चम्मच का खेल दिखाकर लोगों को हैरान कर देते हैं। अगले दिन जिंगबू सीसीटीवी के रेंज से बाहर की रोड को अपने स्केचबुक में ड्रॉ करता है और सुमी के घर की तरफ जाने के लिए फुटस्टेप्स काउंट करते हुए जा रहा होता है। उसका दोस्त बियोंगसू उसे देखता है और समझ जाता है कि जेंग याद रखने के लिए ऐसा करता है। शाम को घर लौटते वक्त सुमी जिंगबू को रास्ते में ही देखती है। इसके बाद जिंगबू और सुमी वॉक करते हुए एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं। जिंगबू उसे अपने वर्क के बारे में बताता है कि वो कैसे सीसीटीवी सेंटर में काम करके लोगों को ऑब्जर्व करता है। रास्ते में वो उसी कॉफी शॉप के सामने रुकते हैं जहाँ सुमी रोज जाया करती है। दोनों जिंगबू के रखे सोफे पे बैठकर बात करते हैं और सुमी उसे बताती है कि उसे उस कॉफी शॉप के ओनर पर क्रश है और उसके पास एक महंगी सी कार भी है। इसके बाद सुमी वहाँ से चली जाती है, मगर जिंगबू शॉप के ओनर को अजीब तरीके से घूरने लगता है और वहाँ से सोफे को खिसका देता है। अगले दिन जिंगबू अपने दोस्त बियोंग और ऑफिस के सभी स्टाफ से पूछता है कि क्या उसे किसी की कार एक दिन के लिए रेंट पे मिल सकती है। वो सुमी को कार से घुमाना चाहता था, मगर बदकिस्मती से उसे किसी से कार नहीं मिलती। यहाँ तक कि अपनी मोम और डॉक्टर से भी वो इस बारे में बात करता है, मगर उसे जवाब में ना ही मिलता है। अगले सीन में सुमी दिन में जब खुशी से घर आ रही होती है तो तभी उसे वो कर्जदार मिल जाता है जो उससे बहुत रूडली बात करते हुए उसे धमकाने लगता है। सुमी को मुसीबत में देखते ही जिंगबू अपने दोस्त बियोंग के साथ उसकी मदद के लिए वहाँ पहुँचता है और उसे एक इम्पोर्टेंट डिलीवरी के बहाने वहाँ से निकलने में उसकी मदद करता है और खुद भी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सुमी कैमरे की तरफ देखकर जोर से थैंक यू कहती है, जिसे देखकर जिंगबू मुस्कुरा रहा होता है। शाम को जिंगबू और सुमी एक पार्क में घूमने जाते हैं और एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जिंग उससे पूछता है कि उसके पास कार होती तो वो कहाँ जाना पसंद करती। सुमी उसे बताती है कि उसके डैड के मरने के बाद ही उसकी मॉम विदेश चली गई थी और उसे समुद्र की लहरों की आवाज सुनना और उस व्यू को एंजॉय करना उसे बहुत पसंद है। जिंगबू कैसे भी करके सुमी को खुश करना चाहता था, जिसके लिए वो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिखने वाले एक शख्स से दोस्ती कर लेता है और रात को ग्राउंड में रुककर उसके साथ बेसबॉल खेलता है, जिसके बदले में उससे एक दिन के लिए बस राइड मांगता है जिसमे केवल सुमी, जिंगबू, बियोंग और वो ड्राइवर ही हो। और आखिर में उसकी ये विश पूरी हो जाती है। वो लोग तब बीच जाने के लिए निकलते हैं, मगर टोल पे ऑन ड्यूटी ऑफिसर उन्हें बस को आगे ले जाने की मंजूरी नहीं देता है। इसके बाद सुमी बस से उतरकर ऑफिसर से बहस करने लगती है। शाम के समय उन्हें बिना ऑप्शन देखे ही वापस लौटना पड़ता है, मगर जिंगबू की इस कोशिश को देखकर सुमी उससे इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन जब जिंगबू सीसीटीवी में सुमी को देख रहा होता है तभी उन्हें उनकी ही जोन में एक किडनेपिंग कार की एक्टिव होने की जानकारी मिलती है। थोड़ी देर बाद जब जिंग वापस स्क्रीन को देखता है तो सुमी फुटेज से कहीं गायब हो गई थी, जिसे देखकर जिंग परेशान हो जाता है और बिना देर लगाए भागते हुए उसी जगह पहुंचता है। वहां उसे सिर्फ सुमी का स्कार्फ ही नजर आता है। ये देखते ही जिंगबू बेचैन हो जाता है, मगर तभी सुमी जहां छुपी थी वहां से बाहर निकल आती है। दरअसल वो जानना चाहती थी कि जिंगबू उसे ये जानते हुए भी पसंद करता है कि वो उसकी क्रश पोंग सुमी नहीं बल्कि कोई और है। जिंगबू का जवाब हाँ था। इसके बाद सुमी उसके सनग्लासेस उतार कर उसे किस करती है और वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। अगले सीन में हमें जिंगबू की बनाई ड्राइंग्स देखने को मिलती है, जिसमें उसने लगभग हर शॉप और रोड को बनाकर याद कर रखा था।
शाम को जब सुमी अपने घर वापस जाती है तो उसके घर के अंदर उसका मकान मालिक और कुछ गुंडे उसके सारे सामान को फेंकने लगते हैं और उसे भी घर से बाहर निकालने लगते हैं। जेंगबू उसकी मदद करने की कोशिश करता है मगर उसे सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा होता है और वो कुछ नहीं कर पाता। कुछ देर बाद सारा सामान नीचे पड़ा हुआ होता है और तब सुमी जेंगबू को सच बताती है कि मेरा नाम ओ सुमी नहीं बल्कि बोंग सुमी ही है। बचपन में मैं तुमसे दूर भाग गई थी और जब मैं तुमसे वापस मिली तो मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे ऐसे हालत में देखो वरना तुम्हें भी बुरा लगता। सुमी ने उसकी बनाई हुई तस्वीरें अभी तक संभाल कर रखी थी मगर बुरी खबर ये थी कि अब धीरे धीरे जेंगबू की आंखें पूरी तरह खराब होने लगी थी जिसके बारे में शायद उसे डॉक्टर श्योक ने पहले ही बता दिया था। तो वही दूसरी तरफ कर्जा चुकाने के लिए सुमी को अपना घर बेचना पड़ता है। जब जेंगबू एक बॉक्स के साथ खड़ी सुमी को देख रहा होता है तभी उसकी कोवर्कर की नजर किडनैपर्स के नंबर प्लेट वाली एक कार पर पड़ती है। वो अपने बॉस को इसकी जानकारी देती है और पुलिस को भी इस बारे में अलर्ट किया जाता है मगर फिर अचानक ही वो कार उनके फुटेज में कहीं नजर नहीं आ रही होती है और ना ही जेंगबू को सुमी कहीं नजर आ रही होती है। जेंगबू उसी समय साइकिल लेकर निकल जाता है मगर रास्ते में उसे कुछ ठीक से नजर नहीं आता जिसके कारण उसकी टक्कर रास्ते में एक पार्क्ड गाड़ी से हो जाती है। उसे इस हालत में देखकर उसका फ्रेंड बोंगसू फौरन उसकी हेल्प करने वहां से निकल जाता है। अगले सीन में बोंगसुमी का सामना उसी किडनैपर से होता है और जेंगबू उन्हें देखते ही घायल हालत में ही उनके पीछे भागने लगता है और सुमी किडनैपर से बच जाती है। अब इससे पहले कि सुमी को कुछ पता चलता पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे वहां से ले जाती है। अब जेंगबू की नजर पूरी तरह खराब हो गई थी। उसकी मॉम अपने बेटे को इस हाल में देखकर रोने लगती है मगर जेंगबू ने कहता है कि मैंने पहले से ही सारा रास्ता याद कर लिया था। सुमी के पास अब घर नहीं था इसलिए वो पूरी मेहनत से काम करती रहती है और जेंगबू से नहीं मिल पाती है मगर जब उसे याद आती है तो वो सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखकर हेलो करती है मगर उसे जेंग की आंखों की कंडीशन के बारे में नहीं पता था। कुछ महीनों बाद जब वो जेंगबू को कॉफी शॉप से बाहर निकलते देखती है तो खुशी से उसे हाथ हिलाकर हाय करती है मगर जेंगबू उसकी तरफ देखता भी नहीं है और वहां से चला जाता है। ये देखकर सुमी समझ चुकी थी कि अब जेंगबू उसका नहीं रहा। अब वो बहुत दर्द महसूस करके रोने लगती है। सुमी हर जगह जेंगबू का पीछा करती है और एक आर्ट गैलरी में उसे वो पेंटिंग्स सीखती है जिन्हें जेंगबू ने बनाया था। उस रूम में सुमी की बहुत सारी पेंटिंग्स थी। मूवी के लास्ट सीन में जब सुमी उसके सामने खड़ी होती है तो जेंगबू उसकी तरफ मुड़कर उससे पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो जिससे सुमी को रियलाइज होता है कि जेंगबू उसे देख तो नहीं सकता मगर उसे अपने आसपास महसूस जरूर कर सकता है और सुमी खुशी से जेंगबू को हग करती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपकी फेवरेट मूवी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मत भूलना।